कोई भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम बिना दिए नौकरी तो नहीं लग सकता है। और अगर आपको कोई कंपिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो जीके एंड करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है। तो की ऑफ एजुकेशन जोन एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहा है इसी टॉपिक में, आज है पार्ट वन, तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जी के कुछ क्वेश्चंस। हर एक हमारे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर भी रहेंगे, लेकिन पहले वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इससे आप सोच सकते हो और डेवलप कर सकते हो अपने स्किल को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, इसको स्किप करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो सच में नुकसान आपके है। चलिए पहला सवाल, अप टू 1911 व्हिच स्टेट्स कैपिटल वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, किस राज्य की राजधानी 1911 तक भारत की राजधानी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन का आंसर है, आंसर हम बताएंगे, लेकिन आप सोच लीजिए, आपको सोचने के लिए कुछ पल इंतजार कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल, आंसर इज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी 1911 तक सन तक हमारे पूरे इंडिया में इंडिया के राजधानी के हिसाब से परिगणित थी। आंसर देखिए शॉर्ट फॉर्म में नीचे भी आ चुका है स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है, अगर आप जानते थे तो बहुत बढ़िया, और नहीं जानते हैं तो ऐसे ही आप अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं। अब से यही काम चलेगा, जैसे कि अलग काम चलते हैं, जो हमारे अलग से प्लेलिस्ट है, कुछ एजुकेशनल वीडियोस वो तो आएंगे ही, उसके साथ में ये भी शुरू किया हमने। नेक्स्ट सवाल, बिहार की केसरी किसे कहा जाता था, बिहार केसरी किसे कहा जाता था, हु इज नोन एज बिहार केसरी। द क्वेश्चन इज दैट एंड द आंसर इज श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। एक ही टाइप का क्वेश्चंस मैं इसलिए रखी हूँ पास पास, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, एक के आंसर दूसरे में डाल देते हैं, तो इसलिए बिहार केसरी था कौन, श्री कृष्ण सिंह, और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, सिमिलर टाइप इन्हें इसका आंसर है लाला राजपत राय। द आंसर इज लाला राजपत राय। द आंसर वंस मोर आई एम टेलिंग लाला राजपत राय, ही इज नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी माना जाता है लाला राजपत राय को। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ, तो मर्डर ऑफ जलियांवाला व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, इट इज़ वेरी फेमस जलियांवाला एंड वेयर वी इट इज देयर वी हैव टू नो दिस। 1919 सन में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला मर्डर केस, was happened in at Amritsar in 1919. Amritsar ka hatyakand jo tha, wo Jallianwala ka hatyakand jise mein parigranit kiya jata hai, wo 1919 saal mein hua tha. Next sawal, Jallianwala hatyakand mein kisne goli chalane ka aadesh diya tha, who gave this order to fire at Jallianwala Bagh,
जालियांवाला बाग में जो ये हत्याकांड हुआ था उनकी ऑर्डर देने वाले था जनरल डायर। जनरल डायर डायरेक्टेड और ऑर्डर टू फायर एट जालियांवाला बाग। ऐसे ही और क्वेश्चंस हम बताते जाएंगे, इससे पहले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता ही देते हैं फिर बताते हैं कुछ बातें। एक फिट में कितना इंच होता है? हाउ मेनी इंच इज देयर इन वन फिट? गेस द आंसर। यस, 12 12 इंच, वन फिट, एक फिट। 12 इंच मीन्स वन फिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 meter इक्वल टू हाउ मेनी फिट? 1 meter में कितना फिट होता है? अगेन अ क्वेश्चन। 1 meter इज इक्वल टू 3.28 feet, मीन्स 39.37 inch। सो 1 meter इक्वल टू 3.28 feet और 39.37 inch, मतलब 3.28 feet इक्वल टू 1 meter माना जाता है और 39.37 inch इक्वल टू आल्सो 1 meter। सो ये सारे चीज़ों धीरे धीरे ऐसे ही कुछ बहुत इजी हम लोग जानते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस और कुछ करंट अफेयर्स एंड एप्टीट्यूड कुछ लेके हाजिर होने वाले हैं हम फिर से की ऑफ एजुकेशन जोन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। कैसा लग रहा है और क्या आपको ये दौर अच्छा लग रहा है, आप पसंद करते हैं, आपको चाहिए इस तरीके का वीडियो, ज़रूर ये सारे चीज़ें कमेंट करके हमें बताइए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो से हर एक वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको ही देना है कमेंट बॉक्स में, और सही या गलत वो ज़रूर हम बता देंगे। तो फिर अभी तक कुछ अगर इंक्रीमेंट हुआ, आपका एनहांस हुआ आपके नॉलेज का, तो ज़रूर बताइएगा, हम वेट करेंगे आपके ही कमेंट के। ये जो नया स्टेप हम शुरू किए हैं इसका भी कारण ओनली बिकॉज ऑफ द हमारे व्यूअर्स के ये एक्सपेक्टेशन था, वो चाहते थे कि यही दे दिया, यही सब दिया जाए तो उन लोगों का एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए सुविधा हो। हमें हर एक अभी से शुरू करेंगे ये सारे चीज़ें तो देते रहेंगे। आखिर में आके यही बात बताना है, आज की वीडियो बहुत छोटा बनाई थी क्योंकि आज पहला दिन है, पहले ही दिन में बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको पसंद नहीं आएंगे तो छोटा सा वीडियो, तो वही बातें बता के रहते हैं। लाइक शेयर एंड अगर आप की ऑफ एजुकेशन जोन में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई ये तो ठीक नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सब्सक्राइब है इसको टच करके या इसको क्लिक करके, और उसके बाद ये जो पास में रखे हुए बेल आइकन है ना इसको ज़रूर ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जी हाँ, द सेम थिंग आई हैव टू टेल यू, जय हिंद, जय भारत।